अरे यार, ये सर दर्द फटा जा रहा है। मेरा सर दर्द अदरक वाली चाय 5 मिनट में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दो यार। वाह, तुमने मेरे चाय बनाई। थैंक्स, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। पियो, यू फील मच बेटर, ट्रस्ट मी। पियो, क्या कर रहे हो तुम? 5 मिनट राइट थोड़ा टाइम तो दो। अच्छा, यू नो व्हाट, आई हैव एन आइडिया। और आइडिया हेड मसाज। दोस्ती भी क्या कमाल चीज है ना यार। आप किसी की हेल्प करते हो बिना कुछ चाहे, और आपको उससे सिर्फ खुशी मिलती है, एक तरीके से शांति मिलती है। दोस्ती में ना एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। नाउ दैट यू हैव अ हेडेक, तो फिर तुम स्टोरी तो सुनाओगे नहीं, तो फिर मैं सुनाऊं? माय गॉड, आई डोंट माइंड एट ऑल। सो ये कहानी, दिस इज स्नो क्वीन। दिस इज अबाउट टू बेस्ट फ्रेंड्स, छवि एंड तुषार। दोनों ना बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दे वर लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। एंड देन उनके जो मोमेंट्स होते थे, हैप्पीनेस हमेशा डबल करते थे, एंड देयर सैड मोमेंट्स एंड व्हाटएवर वो हमेशा शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। सो द स्टोरी बिगिंस विद Now step 2 with 2 on the product side. N2 plus 3H2 gives you. छी, कितनी गंदी तरीके से लिख रही है, अच्छे से लिखना। एक तो क्लासरूम में लेट आता है, ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस करता है और मुझे चिढ़ा रहा है। चल अब ये नोट डाउन कर। आलस आ रहा है यार बहुत ज्यादा। प्लीज हमेशा की तरह तू लिख देना, घर जाके नोट डाउन कर लूंगा। लिखना। लेट मी कॉन्सेंट्रेट यार तुषार, नोट्स में भी तेरी मदद करूँ, एग्जाम में भी तेरी मदद करूँ, कुछ तो कर अपने आप से। यार हमेशा डांटती क्यों रहती है यार? क्योंकि तू यूज़लेस है। यूज़लेस क्यों होता? मंदिर तो मैं गायब हो जाऊँ कहीं पे। अच्छा बच्चू, गायब होकर तो दिखा, ढूंढ निकालूंगी तुझे कहीं से भी। हाँ हाँ मेरी माँ, पता है सब कर लेगी तू। अच्छा जोड़े से तुषार क्या कर रहा है? मैम देख लेगी तुषार। पहले जीरो कांटा में जीत के होता, फिर जो बोलेगी वो करूंगा। तुषार बातें क्यों कर रहे हो? ध्यान का है तुम दोनों का? यस मैम। गुड, कम ऑन। N2 आगे बढ़ो। वो गया भूल गए ना? आई न्यू इट। गो मैम, कैन आई ऑल्सो लीव? आज फिर तेरी वजह से खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। तेरी वजह से आया यहाँ पे? जीरो कांटे वाली गेम जीत जाती ना, मैम देखती ना, हम बाहर ही नहीं आते। ठीक है, मेरी वजह से हुआ। और किस वजह से हुआ? क्या है तुषार? छवि सॉरी मैम। सीधे से खड़े रहो, क्या हो रहा है ये सब? सॉरी मैम, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तू देख तो सही मैं क्या करता हूँ। पागल, खत्म होने दे। दादी,
भूख लगी है, रोटी जल्दी दो ना। सबर करो बच्चा, ला रही हूँ। भूख लग रही है, दे दो। हाँ हाँ बाबा, लो। अरे दादी सिर्फ मेरी है, पहले मुझे खिलाएगी समझे। और वैसे भी टिपिकल नेवर मत बन समझा, पूरे टाइम तो मेरे ही घर पे पड़ा रहता है। जा ना अपने घर जाके। और वैसे भी मुझे तेरा सारा प्लान पता है, मेरी इकलौती दादी को चुरा कर ले जाना, है ना बच्चू? सब जानती हूँ मैं। हा, हा, दादी ये मेरा भी घर है। ओके दादी तेरी हो, प्यार मुझे डाड़ा कटे हो। दादी बताओ इसको। नहीं दादी मेरी, दादी मेरी है, दादी मेरी है, दादी मेरी। अरे झगड़ना बंद करो, क्यों लड़ रहे हो? मैं तो दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। चलो अब झगड़ना छोड़ो और आराम से खा। और तुषार को घर भी तो जाना है ना, उसके मम्मी डैडी वेट कर रहे होंगे। क्यों है ना बेटा? यार छवि, क्या है? मैंने केमिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाए। पता था मुझे। यार मुझे फिर से पनिशमेंट मिल जाएगी। तो उसमें नया क्या है? हेल्प कर दे प्लीज, प्लीज। ठीक है, कितने बजे आना है? 2 घंटे में मिलेंगे। 2 घंटे में क्यों? वो पीछे से मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके रखूंगा। दादी देखो जोक मार रहा है। ये चुड़ाती रहती है हमेशा मेरे को। ये खा ले चुप जा, और रोटी नहीं मिलेगी समझा। मुझे पढ़ा दियो ना प्लीज। ये खा ले, मेरा भी खा ले। सुषमा माथुर, आपको तो पता ही है, मैंने आपसे कहा था कि आजकल मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल केस लड़ रहा हूँ, उसके बाद ही मुझे फुर्सत मिलेगी आपका केस लड़ने की। जी मिस्टर दास, इसे कौन नहीं जानता कि आप बिल्ला जैसे खतरनाक गुंडे के खिलाफ केस लड़ो के कितनी बहादुरी का काम कर रहे हैं। काम तो करना ही पड़ता है ना जी। अजी जनाब, आपके काम कितने अच्छे हैं ये तो सारे शहर को खबर है, बस कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अरे भाई यूं ही थोड़ी आप मीडिया में हर तरफ छाए रहते हैं। थैंक यू विश्वनाथ। तो ये जो नाइट्रोजन एटम है ना, ये दोनों तरफ से बैलेंस नहीं है, वी हैव टू मल्टीप्लाई। ओके तुषार फोन दो मुझे, एक सेकंड। पॉज तो कर दे, नहीं जल्दी नोट डाउन करो। मैं स्कूल में कल वापस नोट्स नहीं देंगे। लिखो ये इक्वेशन 1। यू गॉट इक्वेशन 1? इक्वेशन 2 करे। Now we do number 2. So this is also another. Likh rahe ho na? This one is similar to 1, okay? पढ़ रहे हो कि सो रहे हो? कभी खुद से भी तो पढ़ लिया करो। तो अब देखो छवि तुम्हें पढ़ाते। आपको पता है मैं अकेले पढ़ नहीं पाता हूँ, छवि आती है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। अब रहने दो, ये लो चुपचाप और खुद से पढ़ाई करो। चलो स्टडी फास्ट। अब लिखो इक्वेशन नंबर 3। हाँ आंटी। सुन भाई, मुझे पिक्चर की 2 टिकटें मिली हैं कल की। देख मेरा बहुत मन है, अब तुम मना मत करियो, मैं चलना है दोनों को, ठीक है? ओके हाँ। ओए भाई ये देख, कैसे रो रही है? हाँ क्योंकि तूने मेरे बाल काट दिए। तू ऐसी रोती रहती है हमेशा सड़ू की तरह। छवि नो। यस यस, दिखता नहीं मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। सॉरी यार। क्या डर फ्रॉम? अबे तेरे को देख लूंगा। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चिल्लाओ नहीं तो क्या, चल हेयरिंग है, केस की प्रिपरेशन कर। Your Honor,
सारे सबूत और गवाह ये साबित करते हैं कि ये बिल्ला ही था जिसने ग्रीन इंडिया लिमिटेड के एमडी मिस्टर सुभाष कपूर और उनके दोनों बच्चों की जान ली। योर ऑनर, हुआ यूं कि बिल्ला ने मिस्टर कपूर को उनके कंपनी के महंगे शेयर सस्ते में खरीदने की बात की थी, जो कि मिस्टर कपूर ने साफ मना कर दिया। तो बिल्ला ने उन्हें बहुत धमकी दी, तब मिस्टर कपूर ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि वो उनसे नहीं जलते। इस पर बिल्ला और मिस्टर कपूर के बीच बहस हो गई। बहस क्या हुई योर ऑनर, उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और तब बिल्ला ने मिस्टर कपूर को और वहां मौजूद उनके दोनों बच्चों को जान से मारकर उनकी हत्या कर दी। योर ऑनर, मैंने सारे एविडेंस कोर्ट में पहले ही सबमिट कर दिए। योर ऑनर, मैं लेट मिस्टर कपूर और उनके दो मासूम बच्चों के लिए अदालत से इंसाफ की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बिल्ला जैसे क्रिमिनल को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरों को इससे सबक मिल सके। थैंक यू योर ऑनर। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की सारी दलीलों को सुना। कोर्ट का फैसला 25 अक्टूबर को नेक्स्ट हियरिंग में सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मेरे पति और बच्चों के पति को सजा दिलवाओगे ना? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जजमेंट हमारे फेवर में होंगे। भाई, हम तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। तुम ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहे। इस जज के फैसले से पहले ही दास तुम्हें भाग चुलाई। छवि, एक बात बताया, हमारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 25th से? ओह नो, एंड मैंने कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और केमिस्ट्री तो सब मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। तो कोई बात नहीं, स्कूल के बाद मैं तेरी हेल्प करूँ। पक्का ना? पक्का। छवि, हाय। हाय। दो मिनट बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली अकेले में बात करनी है। ओके। ये वरुण छवि से ऐसे क्या बात कर रहा है? क्या कर रहा है? बात कर रहा है यार। मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर है, हट जा यहाँ से। अरे क्या कर रहा है यार? अबे जाना, चल निकल जा। तू किसी से भी पंगा ले लेगा क्या? भाई तीन दिन काट दीजिए, बहुत ही अच्छा इंतजाम किए, बहुत हो गया उस वकीलवा का वकील भी। अब हम उसको बताएंगे कि इस केस से लड़ा चाहता है। छवि, तेरा लवर तो इसी स्टेट में है, इनफैक्ट सेम सोसाइटी। तो फिर ये नॉवेल्स पढ़ के किस मुहूर्त का वेट कर रही है? जस्ट गो एंड कन्फेस योर लव। लव और मेरा लवर, क्या बात कर रही है आलिया? मुझे सिर्फ केमिस्ट्री और रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है। और तू किसके बारे में बात कर रही है? मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ मेरी केमिस्ट्री सबसे अच्छी है। कौन? तो आपको नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? सच सच बता, आज जो स्कूल में वहाँ उसी के बारे में सोच रही है ना? जस्ट थिंक अबाउट इट छवि, तुषार कैन बी योर फर्स्ट बॉयफ्रेंड। वाओ, तुषार मेरा बॉयफ्रेंड? तुषार इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई डोंट लव हिम। तू शायद से मैंने प्यार किया का डायलॉग भूल रही है। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते प्रेम। और कुछ कुछ होता है कि राहुल अंजलि तो याद है ना, बट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड यार। You guys are meant to be together. Just admit it now. ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मैडम,
ये सब क्या है? बता बता बोल। ओके आई डोंट लाइक यू। पता है अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज जो उसने तेरे स्कूल में किया ना, उसके बाद आप 100% श्योर दैट ही आल्सो लाइक्स यू। वो नहीं यार, शी डजंट। शी डज भाई, मुझे पता है ना सब। तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड? वो भाई तेरी है, लेकिन ऐसी बातें बाहर वालों को ज्यादा पता चलती है। मुझे ये बता कि कॉलेज में वो किसके एग्जाम में हेल्प करती है, नोट्स किसके बनाती है वो। और वो छोड़ो, ये क्रिकेट नहीं देखने आती वहाँ पे भाई, वो तुझे देखने आती है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ दे देगी अब तुझे? पर यार, पर क्या, एट स्टैंडर्ड की बात क्या थी? ऋषभ के साथ तूने क्या किया था? वो गलती से आगे बेंच पे बैठ गया था और तूने उसे मारा था। आज सेम चीज तूने ध्रुव के साथ करी है, पूरे स्कूल को पता चल गया भाई अब तो। अरे बेस्ट फ्रेंड है यार मेरी, बुरा लगा था मेरे को। बेस्ट फ्रेंड ही है ना? चल मैं बता लेता हूँ। ओए क्या बोल रहा है? ये रिएक्शन, इसी चीज की बात कर रहा हूँ भाई मैं। बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो तेरी, कुछ और भी है। ठीक है करता हूँ, पर भाई प्लीज उसको मैं बताऊँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई डोंट वांट टू लूज हर। तो ठीक है, तू उसे बेस्ट फ्रेंड बना के रख, बॉयफ्रेंड वो बेचारी कोई और बना लेगी। चल जो स्लैम बुक कहाँ है? उधर। ठीक क्या है? ठीक है मैं स्पीक होने वाली। मैस्केरेड पार्टी में मैं अपनी दिल की बात कहूंगी। पर यार हाँ तो कहेगी ना? पर वो हाँ तो कहेगा ना? I'm very happy for you. इस बार तुम्हारे ग्रेड काफी इम्प्रूव हुए। थैंक यू। बस इसी तरह से पढ़ते रहो। अभी तुमने साइंस लिया ना? लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे चलकर तुम्हें क्या बनना है। मेरे जैसा सक्सेसफुल और रिच लॉयर। पापा आपको पता है कि मुझे लॉयर नहीं बनना है। तुषार बेटा ऐसे नहीं बात करते बेटा पापा से। पापा आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना। अच्छा ये देख, तेरी फेवरेट खीर बनाई बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी की दादी बनाती है। ले। तुषार, I know what is best for you. और इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे चाचा से बात करके रखी है। You will get in the best law college in Europe. Understood? यार मेरे लाइफ के डिसीजन मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकते हो? Just shut up. नहीं जाना है यार इंडिया से बाहर, मुझे अपने दोस्तों के बिना नहीं रहना है। समझते क्यों नहीं हो यार? अबे तुषार, तुषार खाना तो खा के जाओ। इसकी इसी बेहुदा हरकतों की वजह से मैं इसे बाहर भेजना चाहता हूँ। हाँ बोल। हाय क्या कर रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। ऐसे तेरा मूड खराब है क्या? क्या हुआ बता? अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है तो बता तू कल पार्टी में क्या पहनने वाला है? टक्सीडो। और तू? मैं ब्लैक डॉग। हेलो तेरा मूड ऐसे ही रहने वाला है क्या? कुछ बात करना। अच्छा अब मुझे समझ आई, तूने सुबह से करी नहीं है ना? जा बाथरूम जा और पॉटी कर ले और फिर उसको खा भी लेना।
एहसास हो ही गया प्यार का। ये जो पहला पहला प्यार होता है ना, कितना ब्यूटीफुल होता है, सो प्योर, सो सो यूनिक। हाँ फिर क्या हुआ? तो फिर तो समझोगी ना, I love you so much, please मना मत करना। तुषार है घर पर? नहीं बेटा, तुषार तो घर पर नहीं है। वो पार्टी में भी नहीं आया। आंटी आपको पता है वो कहाँ है? पार्टी? हाँ एक्चुअली बेटा, वो पार्टी में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो यूरोप चला गया है अपने चाचा के पास। यूरोप? आंटी पर ऐसे कैसे अचानक से, उसने हमें बताया तक नहीं। बेटा एक काम करना, जब वो खुद ही वापस आ जाएगा ना, तुम लोग उससे पूछ लेना, ठीक है? अब तुम लोग जाओ। हाँ आंटी, आंटी, आंटी छवि तो रो क्यों रही है? देख मेरी बात सुन, वो कहीं नहीं गया है यार। तुझे बिना बताए वो स्कूल से छुट्टी तक तो लेता नहीं है और यूरोप चला गया। मुझे नहीं लगता है। हाँ ही इज राइट, अगर वो यूरोप नहीं गया तो फिर वो है कहाँ? क्यों लाए मुझे यहाँ पे? किडनैप क्यों किया मेरा? अब जानते हो मेरे डैड कौन है? मेरे पापा यहाँ के सबसे बड़े लॉयर है, मिस्टर दास। बात में बता रहा हूँ, गलत कर रहे, तोड़ दो मेरे को। अगर तुझे छोड़ूंगा तो तेरा बाप मेरे भाई को कैसे निकलवाएगा? चुप। बहुत हीरो बन रहा था ना उस दिन तेरा बाप, जैसा भी जैसा वो, योर ऑनर। तेरे बाप को ये तो पता चले कि किससे पंगा लिया है। बोल क्या 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 क्या, क्या करेगा तेरे बाप मिस्टर दास? जाने दो प्लीज मेरे को, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, प्लीज छोड़ो मेरे को। कोई कोई है? कोई है? बोल रहा है ना तू? चुप। चुप। देखो रे, बाहर ना जाने पाए। मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया कि मेरा बेटा कहाँ है। सबसे झूठ बोला मैंने, बस मैं कुछ नहीं चाहती। अब मेरा बेटा मुझे वापस ला दो। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि बिला का केस मत लीजिए, पर आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। देख लिया ना उसका नतीजा क्या हुआ। मैं कुछ नहीं चाहती, बस चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। एक बार उसका फोन तो आने दो, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा अपने बेटे को, आई प्रॉमिस यू। हेलो 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 योर ऑनर,
सारे सबूत और गवाह ये प्रूफ करते हैं कि बिल्ला कातिल है। बिल्ला कातिल है? मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे बेटे को छोड़। तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। अरे करना क्या है वकील साहब, बस यूं समझ लीजिए कि आपके लिए बस छोटा सा काम है। देखिए हमारे भाई बिल्ला को जेल से रिहा करवाना है, सजा नहीं दिलवानी है। अब अगली कोर्ट की हियरिंग में क्या कहना है और क्या करना है क्या हमें बताने की तो जरूरत नहीं है ना वकील साहब। और एक बात याद रखियो वकील साहब, अगर पुलिस को बताने की जरूरत नहीं की, सबसे पहले तेरे पिल्ले को मारूंगा और फिर अबे खुद को मार लूंगा। अबे हाथ नहीं आने वाला हूँ किसी के, समझा? चल चल अब केस आने की तैयारी कर, समझा? बोलो मेरी बात सुन। देख मैं क्या कहा उसने, मेरा तुषार तो ठीक है ना, बताइए ना उन्होंने उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना, बताइए ना क्या कहा उसने। तुषार एक भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। सबसे पहले तेरे पिल्ले को मारूंगा। मुझे एक ही साथ नहीं होगा, जो सबूत मैंने इकट्ठे किए वो सब मुझे झूठे साबित करने होंगे। हाँ हाँ बस मैं एक घंटे में पहुंच जाऊंगा, बाकी पेपर ऑर्गेनाइज हो गए। मैंने तुमसे कहा था श्रीवास्तव कि वो सिग्नेचर बहुत जरूरी है, ऑफिस में नहीं है तो घर से लेकर आओ, जाओ जल्दी। हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, चलो बाय। तैयारी कर ली ना? हाँ ऑलमोस्ट। आज मेरी वजह से तुषार उन लोगों के कब्जे में है और मैं पुलिस को भी कुछ नहीं बोल सकता, वरना वो तुषार को कुछ नहीं होगा। तुषार वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे को मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देरी होगी। अभी तूने इतनी रात को फोन करके बुलाया, क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ बेबी? तुषार को किसी ने क्या क्या हुआ तुषार को? किसी ने किडनैप कर लिया। क्या किडनैप कर लिया? तुझे कैसे पता चला उसे किडनैप किया? क्योंकि मैंने अंकल आंटी को बात करते हुए सुना था, वो कह रहे थे कि अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो तुषार की जान को बहुत खतरा है। तुषार को कुछ नहीं होगा, देख तू पहले रोना बंद कर, फिर हम ढूंढेंगे उसे।
मैं तुषार को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ। चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, मैं उसे खुद वापस ले आऊंगी। कुछ नहीं होगा उसे। और हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, लेकिन जो पुलिस जैसी मदद कर सकता है हम उनसे तो मिल सकते हैं ना। मतलब बेटा पता है क्या बात है? अंकल, मैं जानती हूँ कि पापा आपके बेस्ट फ्रेंड थे, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप पुलिस में थे, और मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। बेटा बात क्या है? मेरा बेस्ट फ्रेंड तुषार से किसी ने किडनैप कर दिया। क्या? ये तो क्या बोल रही है? अंकल, तुषार के पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, पुलिस तो क्या किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहते। विश्वदास, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बहुत अच्छे लॉयर हूँ। छवि, और क्या जानते हो उन लोगों के बारे में? अंकल, वो मैंने तुम चिंता मत करो, मेरे कॉन्टेक्ट से मैं पता लगा। थैंक यू। इस सारी कड़ियों को मैं समझ गया, और मिस्टर दास ही बिल्ला का केस लड़, और कोर्ट उनको सख्त से सख्त सजा सुनाना चाहता अगर मिस्टर दास अपने सबमिट किए हुए एविडेंस में कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो बिल्ला छूट सकता है। आई एम श्योर कि बिल्ला के भाई मनु ने ही तुषार की किडनैपिंग कर, और कल उसकी लाश दे दी, और अगर बिल्ला छूट गया तो मुझे डर है कि वो तुषार को मार दे। हमें जो कुछ करना होगा आज रात में ही करना होगा। लग रहा है मनु जैसे यहाँ पर आए तुम उसे बातों में लगा ले, जब तक मैं बाहर जाके उसकी गाड़ी जीपीएस ट्रैकर लगा, पते की तरीका है उसके ठिकाने तक पहुँच। पर अंकल, हमें पहचाने और कैसे? बेटा उस बात की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। बस मनु एक बार यहाँ बेटा, मैं बाहर जाता हूँ बंटी और आलिया को अलर्ट कर, जैसे ही मनु गाड़ी में बैठे हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे उसको फॉलो करें। हाँ ठीक है। अरे मनु भाई, आज क्या बात है, आप पीछे के रास्ते से आ रहे? पुलिस पीछे पड़ी है क्या? रुपए पार्सल क्या है मेरा? दानिश पार्सल दो साहब को। चलो। यही मन्नू था, ये तो चला भी गया। सुरेश अंकल भी यहाँ नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। We'll be right back.
गाड़ी हमने मिस कर दी ना तो छवि और तुषार दोनों की जान को खतरा है। अरे यार छवि ने मेरा फोन भी कट कर दिया। तू बेवकूफ है क्या? तूने फोन किया क्यों उसे? तुम लोग चुप हो जाओ। ये उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन एक काम अच्छा किया उसने कि फोन रिसीव करके कट कर दिया। अब मैं उसकी लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। तुझे खुशखबरी देनी, कल जैसे ही मेरा भाई कोर्ट से बाहर निकलेगा ना, वैसे सीधा तुझे ऊपर भेज दूंगा, समझा? आज के पिल्ले ले, खाना खा ले। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम लोग नहीं, तुम जाओ यहाँ से, बहुत डेंजर लोग हैं। कोई आ जाएगा, तुम निकलो। तुमको क्या लगा कि हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी गाड़ी में कौन बैठ के आ रहा है? कौन है तू, बोल। तुषार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं सिर्फ उसे छुड़वाने आई थी, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए और मुझे पकड़ लीजिए। बड़ा ही आराना लगता है, मतलब तू इसके लिए अपने काम की बोली देने आई? वाह 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 वाह, आज खुश तो बहुत होगा ना? देख खेल काम निकल। चाकू नीचे करो, हैंड्स अप। गोली मत चलाना, ये तो मार दूंगा मैं इसको, मार दूंगा। नीचे करो, चलो ना। आ आ आ पकड़ो। तुषार सब ठीक हो जाएगा।
मजा ही आ गया। दोनों ने फाइनली अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। वाह, छवि सो ब्रेव ना।